निकाली गई चुनरी यात्रा। मध्य प्रदेश खजुराहो पर्यटन स्थल में रामनवमी के अवसर पर मतंगेश्वर मंदिर से कालका मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह नाकी राजा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कविता राजे, जिला पंचायत सदस्य गोविंद सिंह बुंदेला बमीठा आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। जहां इस चुनरी यात्रा का आयोजन गौरव सिंह बघेल ने किया। चुनरी यात्रा मतंगेश्वर मंदिर से होते हुए गांधी चौराहा होते हुए पुरानी बस्ती से जटवाड़ा से कालका मंदिर स्थल पर समाप्त हुई। माता रानी के चरणों में यह चुन्नी को अर्पित करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं चुन्नी यात्रा के लिए? विगत वर्षों की भांति दशहरा खंड भी गौरव भैया के कायम तत्व में ये चुन्नी यात्रा निकाली गई है। क्षेत्र में खुशहाली रहे, किसान खुशहाल रहे, क्षेत्र में जन कल्याण, देश को वितरित कर दिया, पूरे विश्व को वितरित किया। तो इस तरीके की महामारी हमारे देश में ना आए, हमारे क्षेत्र में ना आए, सभी लोग संपन्न रहे और हमारे युवा साथी हमारे आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में आयोजक गौरव सिंह जी के द्वारा ये निकाली गई है, जिसमें पूरे क्षेत्रवासियों का, सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने तन्मयता के साथ हर यात्रा निकाली थी। पिछले वर्ष क्योंकि कोरोना काल था तो उसको हम लोगों ने स्थगित कर दिया था और आप सभी ने देखा है इस यात्रा के तहत हमने एक धार्मिक माहौल तो बनाया है, उसके बाद भी एकता का माहौल भी हम लोग ने सबने मिलकर यहाँ दिखाया है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सभी हजारों हाथ माता की चुनरी को यहाँ पर लगा देखा गया है और चुनरी यात्रा का जो विशाल यात्रा था आज हम लोग का मकसद पूरा हो गया, क्योंकि हजारों हाथों ने चुनरी को हाथ लगाया है और एक विशाल चुनरी देखी गई है पूरे खजुराहो में मुख्य मार्गों से। और इतना प्यार विधायक जी का मिला है, विधायक जी के सहयोग से, कविता सिंह जी के सहयोग से, कक्का साहब गोविंद सिंह जी के सहयोग से चुनरी यात्रा निकाली गई है। वो सभी के सहयोग से इसमें किस विषय को लेकर की थी आज की यात्रा? हर साल की भांति जो देवी माँ के यहाँ मतंगेश्वर बब्बा से लेकर के और बगराजन माता तक जो चुनरी विशाल चुनरी यात्रा है, इसका क्षेत्र में खुशहाली के लिए और जनमानस में माता का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए ये सब मिलकर के सभी लोगों ने अपना इसमें योगदान दे करके माता के चरणों में अर्पण किया है। क्या प्रार्थनाएं की गई हैं दोस्तों? प्रार्थनाएं तो अपनी होती हैं भैया, वो तो इंद्र ना छुड़ा ले, उसके लिए विष्णु भगवान का मंत्र बोला जाता है।